नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। जनता कर्फ्यू, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के मद्देनजर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रविवार 22 मार्च को जनता से जनता कर्फ्यू की अपील की है। यह कर्फ्यू सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कुल 14 घंटे का है, जिसमें सभी लोग घरों में कैद हो जाएंगे और शाम को 5 बजे एक बार ताली बजाकर या थाली बजाकर प्रशासन का अभिवादन करेंगे। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस जनता कर्फ्यू के क्या हैं मायने। देश इस समय महामारी के दौर से गुजर रहा है, जिसमें संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह बीमारी चीन से शुरू हुई और अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। ऐसे में जनता कर्फ्यू अति आवश्यक है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश है, जहां किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, जैसे कि चीन में की गई, क्योंकि चीन तो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। वहां जोर जबरदस्ती करके जनता को घरों में कैद किया जा सकता है, परंतु भारत में नहीं। बात स्पष्ट है कि आपको स्वयं अपने घर में अपने आप को नजरबंद करना होगा, और फिर सरकार ने दिन भी रविवार का चुना है, यह सबसे आसान दिन है। आपको बता दें कि जनता कर्फ्यू अपने आप पूरे देश को एक दिन के लिए लॉकडाउन स्थिति में ला देगा। बिना प्रशासन की मदद के हर शख्स अपने आप को घर में कैद कर लेगा। ये जनता कर्फ्यू पहली बार या कोई नई बात नहीं है। साल 1950 में श्री इंदुलाल यौगिक जी ने इसकी शुरुआत की थी। जी हां, इंदुलाल महागुजरात आंदोलन के एक बड़े नेता थे। वो एक अलग गुजरात राज्य की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन के सूत्रधार थे। उस वक्त तत्कालीन बंबई सरकार ने आंदोलन को दबाने की काफी कोशिश की, लेकिन इंदुलाल की अपील लोगों ने मानी और अहमदाबाद में जनता कर्फ्यू लग गया। जबकि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बंबई के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई की रैलियां अहमदाबाद में होने वाली थी। इस जनता कर्फ्यू ने गुजरात को एक अलग राज्य बनवा दिया था। ठीक इसी तरह 14 घंटे का इस बार का जनता कर्फ्यू, जिसमें पूरे 10 घंटे के बाद आपको ताली या थाली बजाकर, वह भी खिड़की, गैलरी या दरवाजे पर, अब इसका वैज्ञानिक पक्ष जान लीजिए। एक वायरस को ब्रेक करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए ये जनता कर्फ्यू सिर्फ 14 नहीं बल्कि 24 घंटे से ज्यादा समय का है। शनिवार रात से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान इस वायरस को कोई नया इंसानी शरीर नहीं मिलेगा, तो सड़कें, दफ्तरों के दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, ट्रेन, बस इत्यादि स्वतः ही स्टरलाइज हो जाएंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भी वायरस 24 घंटे में निष्क्रिय हो सकता है। फिर बचे हुए वायरस को आपकी करतल ध्वनि समाप्त कर देगी। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है कि एक आवाज करने से वाइब्रेशन पैदा होता है और कोई भी चीज इससे ब्रेक हो सकती है। इस विषय पर आपको पता होगा कि आर्मी के जवान जब किसी पुल के द्वारा नदी को पार करते हैं तो उनको अपने कदमों की ताल को बिगाड़ना पड़ता है, नहीं तो एक लय ताल में उत्पन्न ध्वनि के वाइब्रेशन से पुल के टूटने का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, हिंदू पौराणिक कथाओं में शंखनाद की बात कही गई है, जो वातावरण की शुद्धि के लिए है। ये ध्वनि वातावरण में बचे हुए वायरस को समाप्त कर सकती है, कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इस वायरस को श्रृंखला नहीं बनाने देना है। 14 घंटों की तपस्या से जनता कर्फ्यू हमें एक स्वच्छ वातावरण और सुरक्षित देश प्रदान करेगा। मित्रों, ये कठिन समय है, हमें धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के
इस जनता कर्फ्यू के आइडिया को आत्मसात करना होगा। आपदा से लड़ने के लिए एक आइडिया जो बदल दे दुनिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे देश में जनसंख्या को देखते हुए इस वायरस से लड़ने के लिए संसाधन बहुत कम है। ऐसे में न सिर्फ हम अपने आप को बचाएं बल्कि भावी पीढ़ी के साथ साथ पूरे देश को बचाएं। आइए हम सब मिलकर जनता कर्फ्यू के माध्यम से और ताली थाली बजाकर इस वायरस से लड़ें। आपको बता दें कि चीन अब सुरक्षित हो गया है। देखिए वहां का नया वीडियो इसी के साथ कि जीतेगा इंडिया हारेगा कोरोना। जय हिंद जय भारत। अरे हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। यदि नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संकल्प लीजिए इस जनता कर्फ्यू का। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित, आप अनंत यात्रा चैनल पर थे। बने रहिए, नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिएगा।